भरवा करेले तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन आज जो भरवा करेला बनेगा वो ना तो कड़वा होगा और ना ही कोई चीज़ वेस्ट जाएगी, ना तो उसके छिकल वेस्ट जाएंगे और ना भी ये वेस्ट जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को और इसे हम कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। तो देखिए करेले मैंने छील लिए हैं और इस तरीके से सारे करेलों को छील लिया है और जितना छिकल है उसको बिल्कुल निकाल दिया है। करेला बिल्कुल फ्रेश हो गया है, लेकिन करेला छीलने से पहले उसको एक बार साफ़ कर लीजिए, पानी से धुल लीजिए और उसके बाद छीलिए, क्योंकि ये छिकल मुझे यूज़ करने हैं। तो देखिए यहाँ पर सारे करेले मैंने छील के रख लिए हैं और इस तरीके के करेले हैं और अब इन करेलों को हमको बीच से चीरा लगाना है। तो इस तरीके से हम इसमें चीरा लगाएंगे कि ये बिल्कुल आर पार कटे नहीं। और ये देखिए इसके अंदर जो बीज हैं, और कुछ करेलों में ज़्यादा बीज होते हैं और कुछ करेलों में छोटे छोटे बीज होते हैं, तो इनको हम किसी चीज़ से निकाल लेंगे। आप चाहें तो किसी चम्मच से भी निकाल सकते हैं, इससे करेले जल्दी कटते भी नहीं हैं और आराम से इसके सारे बीज हैं वो जो एक ही बार में निकल आएंगे। तो देखिए बीज आराम से निकल आया है और जहाँ भी रह गया है उसको आप हाथ से निकाल सकते हैं और चाहें तो दोबारा चम्मच से फिर से निकाल सकते हैं। तो ये करेला बिल्कुल साफ़ हो गया है और छोटा मोटा जो बीज है उसको भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे और ये बिल्कुल खोल हो गया है। और इसी तरह से हम सारे करेलों में चीरा लगाएंगे और एक एक करके सारे बीजों को निकाल कर रख लेंगे। तो बीज मैंने सारे निकाल लिए हैं करेलों के और ये देखिए सारे करेले बिल्कुल अच्छे से साफ हो गए हैं, इसके अंदर बीज बिल्कुल भी नहीं है। बीज का मतलब है कि ये स्टफ्ड करते भी नहीं बनेंगे, इसके अंदर भरते भी नहीं बनेगा और ये बीज जो होते हैं किसी किसी को अच्छे भी नहीं लगते हैं। और ये रहे छिकल, तो इनको भी हम फेंकेंगे नहीं, इनको भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम करेलों में लगाएंगे हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक। हल्दी पाउडर और नमक लगाने से इसका जो कड़वापन है वो निकल जाएगा। तो इस तरीके से हल्दी पाउडर और नमक को जब छिड़केंगे तो करेला को चीरा जो बीच में लगाया है उसके अंदर भी हल्का हल्का नमक लगा देंगे, अच्छे से हाथ से रगड़ देंगे इनको और इस तरीके से पूरी स्किन जो है वो कवर हो जाएगी हल्दी और नमक से और ये बढ़िया तरीके से पूरे लिपट जाएंगे नमक और हल्दी में, तो इसका कड़वापन जो है वो निकल जाएगा। और जो ये नमक लग रहा है चिंता मत करिए कि ये नमक इसमें ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसको हम रख देंगे आधा घंटे के लिए लगभग, कि इसका जो कड़वापन है वो पानी की तरह निकल आएगा बाहर सारा। और जो ये छिकल हैं इनमें भी हल्का सा हल्दी पाउडर और हल्का सा नमक लगा देंगे तो इसका भी कड़वापन जो होगा वो निकल जाएगा। तो हल्का सा इसमें हमने डाला है हल्दी पाउडर और इसमें हल्का सा ही नमक डाल देंगे और इसको आपस में कर देंगे अच्छे से मिक्स हाथ से और इसको भी रख देंगे करेले के साथ में अलग, जिससे कि दोनों चीज़ों में थोड़ी देर जब ये नमक लगे रखे रहेंगे तो इनमें से निकलेगा पानी। तो देखिए करेला और छिकल दोनों मैंने रख दिया है और तब तक के हम निकाल लेंगे अपने मसालों को जब तक के इधर करेले रखे हुए हैं उनमें से पानी निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिया है एक छोटी कटोरी में चना लिया है और ये दो चम्मच भर कर धनिया है, खड़ी धनिया, और दो चम्मच भर कर है सौंफ, मोटी वाली जो होती है, ये महीन वाली सौंफ नहीं है। एक चम्मच जीरा है, ये है कलौंजी, 1/4 बस कलौंजी है, बहुत ज़रा सी, और ये है हींग, हींग भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, और ये है लाल मिर्च जो 3 से 4 हैं। और जो इसमें चना लिया है वो 4 चम्मच लगभग है, या मान लीजिए आप छोटी सी कटोरी से लेंगे तो थोड़े से चने हमको लेने हैं और ये चने भुने हुए हैं, लेकिन इनको हम मसालों के साथ में एक बार फिर से गर्म कर लेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया है और रख देंगे गैस पे और गैस की फ्लेम पे इसको हल्का हल्का सेकेंगे, बस जलने ना पाएँ, और ये खुशबू आने लगेगी जब मसालों से हल्की हल्की, तो इनको हम प्लेट में वापस निकाल लेंगे। और देखिए ये सारे मसाले भुन गए हैं अच्छे से
और अभी ये गर्म है तो इनको अब हम रख देंगे ठंडा होने के लिए, और ठंडा होने के बाद हम मसालों को ग्राइंड करेंगे मिक्सी जार में डाल के। और यहाँ पे देखिए ये है एक आम मैंने ली है, कच्ची आम है ये, तो इसको हम काट लेंगे। आप चाहें तो इसको कद्दूकस में घिस भी सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ काट लिया है। और इसके साथ छोटे छोटे चार प्याज हैं, और इन चार प्याज को हम रफली काट लेंगे। तो यहाँ पे हमने कद्दूकस नहीं किया है, आप चाहें तो कद्दूकस कर सकते हैं। और इन सबको भी हमें ग्राइंड करना है, इसको अलग और सूखे मसालों को अलग। तो ये देखिए यहाँ पे करेलों से पानी निकल आया है अच्छे से, आधा घंटा लगभग हो चुका है। और देखिए आप देख सकते हैं इसमें मैंने पानी नहीं डाला था, और इसका पानी अच्छे से बाहर आ गया है। तो अब इनको हम कर लेंगे वॉश। तो किसी बर्तन में करेलों को डाल लेंगे और इसमें डालेंगे साफ पानी। अब इनको धुलने से होगा ये कि इसमें जो एक्स्ट्रा नमक है, हल्दी है, वो सब निकल भी जाएगा, और इसका जो कड़वापन है वो भी बिल्कुल निकल जाएगा। अब ये जब करेले बनेंगे तो ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। तो ये स्टेप ज़रूर फॉलो करना चाहिए जब भी आप भरवा करेले बनाएं। तो यदि हल्दी नमक लगा के थोड़ी देर रख देंगे और इनको धुल देंगे तो देखिए सारा पानी इनका निकल गया है और ये साफ़ हो गए हैं। इनको अब हम एक बर्तन में अलग से निकाल लेंगे जिससे ये बिल्कुल साफ़ हो जाए, और पानी को बदल देंगे। इसी तरह हम छिकलों को भी देख लेंगे। तो इन छिकल को पहले हम दबा के देखेंगे, देखिए इसमें से भी पानी अच्छा खासा निकलेगा। ये देखिए इससे भी पानी जो निकल रहा है, ये छिकल की जो कड़वाहट होगी वो सारी कड़वाहट निकल जाएगी। तो इस तरह से छिकल को निचोड़ लेंगे पहले अच्छे से, और एक साइड में इनको हम रख लेंगे। और इसको भी जो छिकल हमने निचोड़ के रखा है इनको उठा के डाल देंगे साफ बढ़िया पानी में, और दोबारा से इनको हम धुल लेंगे। तो इनको जब धुलेंगे तो इनकी भी कड़वाहट जितनी है वो पानी में घुल जाएगी, और इनको हम छान लें या फिर ऐसे ही हाथ से निकाल कर दोबारा से इनको अच्छे से निचोड़ देंगे, और इनका सारा पानी निकल जाएगा, सारी कड़वाहट निकल जाएगी। अब इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में, और इसी तरह से सारा छिकल निचोड़ कर बाहर निकाल लेंगे पानी से, और इन सब को रखेंगे एक साइड में। और अब हम सबसे पहले रखेंगे करेलों को पकाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा तेल यूज नहीं करना है, तो पहले इन्हें हम भाप में पकाएंगे। तो देखिए बर्तन में मैंने पानी नीचे रखा है, और आपके पास इस तरह का बर्तन ना हो तो आप किसी भगोने में पानी रख सकते हैं, ऊपर से जाली रख सकते हैं, और जाली पे इस तरीके से आप करेलों को बिछा देंगे ऐसे। तो और इनको हम फिर ढक कर थोड़ी देर स्टीम देंगे, और ये कम से कम 15 मिनट स्टीम देंगे इसमें, तब ये पक जाएंगे। तो 15 मिनट के लिए इनको अब हम रख देंगे गैस पे, और ये धीमे धीमे पकते रहेंगे। और जब तक ये पक रहे हैं तब तक हम बनाएंगे अपना मसाला। तो यहाँ पे मसालों को ग्राइंड करेंगे। तो पहले हम सूखा मसाला जो था उसको हम बारीक पीस लेंगे, क्योंकि गीला और सूखा एक में मिक्स कर देंगे तो ये बढ़िया ग्राइंड नहीं होगा। अब देखिए ये पाउडर बन गया है, इसको हम निकाल लेंगे एक थाली या प्लेट में, और इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच लगभग हल्दी पाउडर। अब जो ये बीज हैं, इन बीज को भी हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, और इन बीज के साथ आप चाहें तो ये छिकल साथ में ही ग्राइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें साथ में ले ली हैं, और इनको कर लेंगे ग्राइंड। तो देखिए यहाँ ये पेस्ट तैयार हो गया है सूखा सूखा, पानी मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, क्योंकि यही मसाला हमको मिलाना है अपने करेलों के अंदर भरना है। और ये अब इसी जार में हम डाल देंगे कच्ची आम और ये कटे हुए प्याज, और इनको भी बगैर पानी डाले हम ग्राइंड कर लेंगे, और इस पेस्ट को इसी मसाले में हम मिला देंगे। और अभी इसमें मैंने नमक नहीं ऐड किया है, तो अब हम इसमें डालेंगे नमक।
नमक जो होगा वो टेस्ट के अकॉर्डिंग होगा। और इन सारे मसालों को बढ़िया सा मिक्स करके रख लेंगे। और देखिए सारा मसाला तैयार हो गया है। और अब देखते हैं अपने करेलों को, तो इनको हम पहले चेक करेंगे कि ये पके हैं या नहीं। तो इनको चेक करने के लिए इस तरह की टूथपिक या फिर आप जो फॉक होता है उसको इस तरह से डालेंगे और ये आराम से पिंच हो जाएंगे, मतलब अंदर जाएंगे, और तो ये अच्छे से पक गए हुए हैं। तो इस तरह से आप इनको चेक कर सकते हैं और इनको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। और ठंडा करने के बाद जो मसाला बनाया है उस मसाले को हम इसके अंदर भर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हम सारे करेलों को एक एक कर भर लेंगे। और यदि आपके पास भुना चना नहीं है बाई चांस, तो आप कर सकते हैं कि चने की जगह आप बेसन ले सकते हैं और बेसन को भूनकर इसमें मिला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब ये जो इसके ऊपर के सिरे हैं इनको हम कैंची से काट देंगे। और कढ़ाई या पैन में डालेंगे थोड़ा सा तेल। तो यहाँ पे सरसों का ऑयल मैंने डाला है और सरसों का ऑयल में करेला जब बनता है तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और इस तरीके से हम सारे करेलों को बिछा देंगे बढ़िया से, एक एक कर डालेंगे। जितना आपके बर्तन में आ जाए उतने उतने ही डालिए। एक बार में सारे आ जाते हैं तो एक साथ ही सारे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले मैंने चार करेले डाले हैं, पांच करेले डाल दिए मैंने, और इसको हल्का सा हिलाएंगे डुलाएंगे। यदि आ जाएंगे तो और करेले भी इसी में साथ में डाल देंगे। और एक एक करके मैंने सारे करेले इसमें डाल दिए हैं देखिए। और मीडियम फ्लेम पे इनको हम इसी तरह सिकने देंगे, क्योंकि ये पके हुए हैं 90% ये पहले से ही पके हुए हैं और इनको बस फ्राई करना है, सेलो फ्राई करना है। तो इस तरीके से इनको उलट पुलट कर हम सेक लेंगे दोनों तरफ से। और ये ध्यान रखना है कि जब ये एक तरफ से हल्के लाल हो जाएं तो इनको हम हर तरफ से घुमा घुमा के पलट कर सेकते रहेंगे। तो ये करेले आपके बिल्कुल रेडी हैं खाने के लिए। आप चाहें तो इन्हें थोड़ी देर तक और सेक सकते हैं। और इसकी स्किन जब पक जाएगी तो ये थोड़ी सी मुलायम भी हो जाएगी और स्किन थोड़ी इसकी पतली भी हो जाएगी। और जब स्किन आपको पतली लगे तो समझिए कि आपका करेला बिल्कुल रेडी है। तो आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और कमेंट्स बॉक्स में आप हमको बता सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा। और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्णा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।